नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर तहसील टांडा ग्राम पीपली नायक मेहमदपुर से अपने चैनल पर एक नई वीडियो सोलर पंप से लेकर रिलेटेड हाजिर हूँ। मेरा जो सोलर पंप का जो चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक। इस चैनल पर मैं सोलर से रिलेटेड जानकारी आपको देता हूँ, सोलर से रिलेटेड या सोलर पंप से रिलेटेड। बाकी मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं डालने को और भी डाल सकता हूँ कृषि संबंधित वीडियो, लेकिन मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल खोलेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे सोलर पंप के भी या कृषि रिलेटेड किसी भी और चीज़ के। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है, आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है कि आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कुछ, मतलब अपनी कॉल भी करते हैं, मुझे इवन बताते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें कि जो भी सोलर पंप से रिलेटेड वीडियो होगा आपको पहले से पहले मिल सके या सोलर से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, क्योंकि कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी 3 HP DC मोनोब्लॉक, आज जो डाली हुई है वो 2 HP DC मोनोब्लॉक पंप की है, लेकिन उतनी पावर में वो 3 HP का DC मोनोब्लॉक 3 HP एक चल रहा था, आज उतनी ही पावर में 2 HP DC मोनोब्लॉक पंप 2 चल रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूँगा इसके माध्यम से वीडियो के, कि आप कमेंट करके बताएं कि आप 3 HP को ज़्यादा रेटिंग देंगे उतनी पावर में या 2 HP के 2 पंप को ज़्यादा रेटिंग देंगे। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग। देखो, मैंने अपने चैनल पर पहले भी कई सारी वीडियोज डाली हुई हैं सोलर पंप 2 HP की, और 3 HP की भी डाली हुई हैं। सोलर पंप 2 HP की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1800 वाट की होती है। रोटोसोल कंपनी का सोलर पंप है, DC पंप है, डायरेक्ट चलता, कोई कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे पैनल की चीज़ कनेक्शन करने हैं और डायरेक्ट मोटर को देना, बस आपको इतना करना है एक चेंज ओवर लगाना है, मीन्स यानी MCB जिसको बोलते हैं, बस पंप को ऑन ऑफ करने के लिए आपको वो लगानी है अपने पंप पर, और उसके बाद आप अपने पंप को सीधे चला सकते हैं। तो देखो, मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा किसान भाइयों, ये हमारे देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं दोस्तों, ये 300 वाट के यहाँ पे 6 पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं 6 पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं और 1800 वाट हो गया। इसमें से कोई पैनल 315 का भी है, 25 का, लेकिन मैं 300 ही मानता हूँ, क्योंकि जब 300 वाट के पैनल का साइज उतना ही है और 315, 320, 330 के पैनल का साइज भी उतना ही है, तो यानी मैं तो इक्वल मानता हूँ सबको। कोई बताए भाई हम तो 315 का दे रहे हैं, 330 का दे रहे हैं, हाँ 300 ही मान के चले इसको। अब यहाँ पर देखिए सोलर वाटर पंप चल रहे हैं, 300 वाट के 2 सोलर वाटर पंप चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एक तो ये रहा आपका, ये इसके पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं, 6 पैनल देख सकते हैं आप, पूरा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये 6 पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर हमारा बोरवेल है और ये देखिए 2 हॉर्स पावर का DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्शन पाइप है, ये मोटर है यहाँ पर चल रही है, और आप डिलीवरी देख सकते हैं इसका 2.5 इंच जो होता है, इसका जो सक्शन हेड है और प्लस हेड है जिसको हम बोलते हैं, यानी 2.5 इंच इसका इनपुट है और 2.5 इंच इसका आउटपुट है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल बोरिंग होता है हमारे एरिया में 4 इंची का या 3 इंची का, उस पर हमने सक्शन पाइप लगाया हुआ है, यहाँ पे मोटर को यहाँ पर ये जोड़ा हुआ है ऊपर सक्शन पाइप में, ऊपर इसका 2.5 इंची डिलीवरी है। अब आप देख सकते हैं कि 2.5 इंची कितना बढ़िया पानी दे रहा है, फोर्स का पूरा पानी दे रहा है, आप देख सकते हैं, तो मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 2.5 इंची एकदम मस्त पानी दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो किसान भाइयों, पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 HP रोटोसोल DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप यहाँ पर चल रहा है, ये रहा, आप देख सकते हैं। अब रही बात दूसरी, मैं एक और टॉपिक आपको इसमें बताना चाहता हूँ एडिशनल। देखिए, यहाँ पर ये मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है रोटोसोल कंपनी का, आप देख सकते हैं इसको, देखिए ये यहाँ पर रोटोसोल कंपनी का कंट्रोलर है 2 HP का, बट दिस इज ऑप्शनल, आप इसको लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो डायरेक्ट चल रहा है वो पंप भी दिखाऊंगा मैं अभी अपनी वीडियो में, क्योंकि 2 पंप मैंने चलाए हुए हैं, आप देखते रहिए पूरी वीडियो।
ये यहाँ पर इसका ये कंट्रोलर लगा हुआ है 2 HP का, आप देख सकते हैं। पहले भी कई बार बताया, देखिए ये जो इसका वायर है ये वाला, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड एक ब्लैक, ये इसका आउटपुट है। और ये जो लगे हुए हैं एक रेड और एक ब्लैक, ये इसका रेड और ब्लू, ये इसका इनपुट है। ये तार पंप में जा रहे हैं रेड और ब्लैक, और रेड और ब्लू ये इसका कंट्रोलर में आ रहे हैं। ये इसकी परफॉर्मेंस डिस्प्ले है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पूरे यहाँ पर चलता है। इसमें आपको पता लगता है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने एम्पियर आ रहे हैं, और कितनी पावर पर हमारा पंप अभी वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा दिखा दिया, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि ये कंट्रोलर इसमें ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अब देखिए पंप का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 2.5 इंची पानी एकदम मस्त दे रहा है। देखिए डिलीवरी थोड़ा अप डाउन हो रही है, क्योंकि हमारे जो बोरवेल है इसमें कुछ समस्या है, उसकी वजह से ये डिलीवरी अप डाउन हो रही है। और मैं अभी आपको दूसरा पंप यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जो यही सेम पंप दोनों बगल बगल में चल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये दूसरा पंप यहाँ पर चल रहा है, ये देखिए ये रहा आपका, ये भी हमने 300 वाट के 6 पैनल यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप काउंट कर सकते हैं वीडियो में पूरा प्रॉपरली और देख सकते हैं। और ये रहा हमारा 2 HP DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप, जो पंप ये चल रहा है आपका यहाँ पर, ये जो अभी मैंने दिखाया आपको वही पंप आपका ये चल रहा है, देखिए ये रहा। और आप इसको देख सकते हैं सेम उसी तरह से इसकी सेटिंग की हुई है। यहाँ पर हमारे जो बोरवेल हैं आसपास है, मुश्किल से 7 या 8 मीटर का अंतर है दोनों बोरवेल में, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको फेंक लगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों बोरवेल में कितना अंतर होगा, 7 या 8 मीटर का अंतर है दोनों बोरवेल में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये रहा और ये इसके माध्यम से यहाँ पर चल रहा है। अब बात जो आती है देखिए, ये जो कंट्रोलर के माध्यम से ये कंट्रोलर रहा और ये इसका डायरेक्ट चल रहा है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। आप देखिए ये 300 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं, कनेक्शन जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो पुरानी वीडियो डाली उसमें बताए हुए हैं। ये रेड वायर रहा एक, यानी पॉजिटिव का, एक यहाँ पर ब्लैक वायर रहा ये निगेटिव का, और ये हम यहाँ से इसको ले गए, ये पूरा डायरेक्ट, कोई कंट्रोलर कोई कुछ नहीं है। और ये यहाँ पर देखिए रेड वाला रेड में दिया हुआ पंप के, और ब्लैक वाला ब्लैक में, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप AC पंप चलाते हैं कोई भी, तो उसके लिए आपको ड्राइव लगानी पड़ती है जो DC to AC कन्वर्टर होता है, और उसका अगर 2 हॉर्स पावर का चलाते हैं तो आप दोनों का परफॉर्मेंस देख लेना। अगर किसी भाई ने 2 हॉर्स पावर का या 3 हॉर्स पावर का सोलर वाटर पंप चलाया हो उसकी वीडियो देख लेना, प्लस हमारी ये 2 हॉर्स पावर की वीडियो देख लेना। डायरेक्ट ऑपरेशन, कोई कंट्रोलर नहीं, कुछ नहीं, रिस्क भी ज़्यादा नहीं है इसके साथ। और ये देखिए यहाँ पर चल रहा है, अब ये मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए जहाँ मैंने चलाया हुआ है, अब आप समझ सकते हैं कि 2.5 इंची तो डिलीवरी इस वाले पंप की है, यानी 2.5 इंची, और 2.5 इंची डिलीवरी इस वाले पंप की है। ये अभी मैंने ये पानी गन्ने में चलाया हुआ, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर चल रहा है, ये यहाँ से होकर के यहाँ पैनल लगे हुए हैं इसके ऊपर से, ये क्योंकि जगह नहीं थी मैंने यहीं पर लगा दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए भाइयों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चल रहा है पूरा, आप 4 से 5 इंची पानी तो चल रहा है, लेकिन आप इसको कहें तो 4 इंची फोर्स का पानी यहाँ पर चल रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब 4 इंची फोर्स का पानी इधर गन्ने में जाएगा आपके, ये आप देख सकते हैं पूरा आपके खेत में जाएगा, तो कितनी सिंचाई एक दिन में कर सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि देखिए 2.5 इंची ये चल रहा है और 2.5 इंची आप मेरा ये चल रहा है, 5 इंची चल रहा है फोर्स का, इसका फोर्स देखिए आप 2.5 इंची फुल फोर्स है, लेकिन मैं फिर भी इसको 4 इंची बता रहा हूँ कि 4 इंची फोर्स का वाटर प्रेशर है, तो उसके बावजूद आप कितनी सिंचाई कर सकते हैं मेरे बताने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ कि 1 घंटे में 1 बीघे से आप ज़्यादा की सिंचाई कर सकते हैं। और इसका जो रनिंग टाइम है, सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है और शाम को 5-6 बजे तक चलता रहता है, यानी 9-10 घंटे या 11 घंटे ये पंप मेरा चलता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 जो पंप हैं यहाँ पर, अगर 2 पंप हम एक साथ चलाएँ तो वह हमारी 10 घंटे अगर चलता है, यानी कि चलो आप ये सोच ली कि 10 बीघे सिंचाई पूरे दिन भर में कर सकता है एक पंप। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा, अगर आप वो सॉरी 2 पंप जो दिन में 10 बीघे की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पंप चलाएं तो उसको आधा कर लें तुरंत, यानी 5 बीघे सिंचाई आपकी इसकी हो जाती है, तो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका जो सेकेंड पंप चल रहा है इसका भी आपका फोर्स दिखाऊँगा पूरा, आप देख लेना। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने डीजल के रेट आजकल देखे होंगे कितने बढ़ गए हैं, और आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। अगर आप सोलर वाटर पंप या सोलर से ऑपरेटेड कोई भी पंप लगाते हैं AC या DC, देखिए दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप मेरे माध्यम से लगवाएं या ना लगवाएं उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे सभी किसान भाई
मेरी वीडियो देखेंगे, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं लगता नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी का जात ज़बरदस्ती नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप सोलर वाटर पंप लगवाएं तो पहले पूरी जानकारी ले लें भाई, ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी खर्च हो, आपको पानी भी उतना ना मिले और आप खुश भी ना हो। भाई इतना कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास देखो मेरा चैनल बहुत पहले से, मैं सोलर पंप की वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, कॉल भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि भैया हमने तो उससे संपर्क किया था, इतने महंगा हमें पड़ा, उसने बैटरी भी लगवा दी, इन्वर्टर भी लगवा दिया, उसके बावजूद भी हमें 2 इंची 2.5 इंची पानी नहीं मिल रहा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी लें सोच समझ के लें, बस आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो, इकोनॉमिक रेट में आपका काम हो जाए। तो आप किसी से लगवाएं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे थ्रू लगवाएं तो मेरा जो इकोनॉमिक रेट में लगा के दूंगा आप पता कर लें, और अगर मुझे अच्छा लगे लगाऊंगा, नहीं अच्छा लगता अगर आपको अच्छा लगे तो लगवाना, नहीं अच्छा लगे मतलब आप बाहर से लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जानकारी देना चाहता हूँ बस, ठीक है ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है मार्केट में, बहुत सारी वीडियो आपको सोलर पंप की मिल जाएंगी, लेकिन अगर भाई इतना कहना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ प्रॉपर जानकारी देता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मैं भी किसान हूँ, किसान घर से हूँ, ठीक है ना, और पूरी जानकारी अपने इसके माध्यम से देता हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगवाना हो 2 HP DC मोटर DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप या 3 HP की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, JS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से, आप सर्च करोगे अपने यूट्यूब पर आ जाएगी 3 HP DC मोनोब्लॉक करके, मेरी वीडियो आपको आसानी से देखने मिल जाएगी। बस इतना कहना चाहूँगा। अब इसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पर जो जिनके खेत में चल रहा है वो बैठे हुए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ अभी आपके सामने ही। ओ चचा हेलो, आप आ जाइए जरा एक बार आइए सभी लोग, हाँ आ जाओ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को अपने, आप आइए ना जल्दी आइए प्लीज़, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना भी है, ठीक है, मैं इतनी मेहनत, देखिए दोस्तों भाई इतना कहना चाहूँगा, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप एक एक वीडियो मेरे चैनल पर चेक कर लेना, सोलर पंप से रिलेटेड हैं, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, बस ज़बरदस्ती कुछ नहीं है किसी से भी, भाई इतना ही है कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे, लाइक मिलते रहे, सब्सक्राइब आप करते रहें, कमेंट करते रहें, कोई समस्या हो बताते रहें। तो मैं बता रहा था देखिए 2 HP का ये चल रहा है, 2 HP का यहाँ पर ये चल रहा है, और आपको ये लगेगा देखो ये तो इतना पानी दे रहा है यहाँ पर, अब इसका पानी मैं आपको दिखाता हूँ, भैया जी आप अपना ज़रा इसको उठा करके दिखाइए, थोड़ा नीचे कीजिए इसको, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए दोनों पंप यहाँ पर चल रहे हैं, ये मैंने इसके क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पानी आने का कोई जुगाड़ नहीं था, तो पंप मैंने इसके मुंह पर पाइप लगवाया हुआ है, इन्होंने लगाया हुआ है, और आप देखिए दोनों पंप कितना पानी दे रहे हैं, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया आप फेक जानकारी दे रहे हो ये वो, आप पूरा देखिए इसको वीडियो को देख सकते हैं, 2.5 इंची इसकी डिलीवरी है, और इसको भी देखिए 2.5 इंची तो ये भी है, क्योंकि ये 4 इंची 5 इंची का पाइप लगा हुआ है, उसकी डिलीवरी आप देख सकते हैं, खुद देखिए कंपेयर कर लीजिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी दे दी है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी किसान भाई को ये लगवाना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ, मेरा नंबर है 8386 53 39 70। तो ये हिंदी में बताया हुआ है कि, लेकिन कुछ जो साउथ के लोग देखते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने कैसे, कोई नहीं, मैं इंग्लिश वीडियो आपको एक बहुत जल्दी अपने चैनल पर डालूंगा, आप उसकी तरीके से पूरी जानकारी ले सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में डालूंगा पूरी वीडियो। तो पूरा बता दिया, 2 HP का ये चल रहा है सोलर DC मोनो ब्लॉक वाटर पंप, और 2 HP का ये चल रहा है, इसके पैनल देखिए इसके सामने लगे हुए हैं 6 पैनल, और इसके जो पैनल हैं यहाँ पर लगे हुए हैं 6 पूरे, और मैंने आपको पूरा बता दिया ये पानी गन्ने में, आप खुद अंदाजा लगते हैं कि 5 इंची पानी एकदम फोर्स का चल रहा है पूरा यहाँ पर। ये कंट्रोलर ऑप्शनल है, पहले ही बता दिया मैंने, लगाओ या मत लगाओ, देखिए इसका जो ऑपरेशन है वो डायरेक्ट है, ये मैंने बताया, कोई देखिए कंट्रोलर नहीं है, डायरेक्ट पैनल सोलर पैनल के कनेक्शन मैंने किए हुए हैं, और यहाँ पर चल रहा है ये देखिए, ये रेड वाला वायर पंप के रेड को दिया, ब्लैक वाला ब्लैक को, दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोलर हो या ना हो, बस आपको चेंज ओवर लगाना होता है MCB, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं रेड पे या ब्लैक पे किसी पे भी। तो मैंने तो लगाया नहीं, मैं तो डायरेक्ट चला हुआ है, MCB इवन मैंने नहीं लगाई हुई है, डायरेक्ट चलाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं खुद। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, अब मैं इस वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, अगर किसी की भी कोई समस्या हो सोलर से रिलेटेड, के पंप पानी कम दे रहा हो, पैनल करंट पूरा नहीं बना रहा हो, मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको पूरी जानकारी, और देखिए जिनकी मैंने ये खेत पर चला है ये सब लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं,
आप इनसे पूछ सकते हैं। तो बताइए भाई साहब कैसा परफॉर्मेंस है पंप का? आप बताइए, आप बताइए। तो आप देख सकते हैं सभी की बल्ले बल्ले है, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। 2.5 इंची पानी मिल रहा है, यानी एक दिन में 5 बीघे जमीन की सिंचाई, अगर 5 इंची चलाते हैं तो 10-12 बीघे जमीन आपकी सिंचाई हो जाती है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा और ये चल रहा है। तो पूरा मैं आप वीडियो क्लोज करने जा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, आप इतना प्यार देते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो दोनों पंप ये देख सकते हैं, कोई फेक जानकारी नहीं है, और नंबर मैंने बता दिया। अगर किसी को पर्सनली आके देखना हो तो मुझे कॉल करे, मैं चला करके दिखा दूंगा। जब भी मुझे अपने खेत पर चलाना होगा, मैं आपको कॉल करके, या मैं, मेरा कोई भाई जिनका यहाँ मैंने इंस्टॉल किए हैं, अगर वो चलाएगा तो पूरी जानकारी दे दूंगा, और मैं आपको बुला लूँगा कि भाई आकर देख सकते हैं आप, उन्होंने चलाया हुआ है। अगर आपको देखिए पसंद आए तो लगवाना, और नहीं पसंद आए तो मत लगवाना, ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई नहीं भाई हो। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका पैसा एक्स्ट्रा खर्च ना हो, आपको एकदम सटीक जानकारी मिले भाई, इतना मेरी कोशिश है। बस बदले में यही चाहता हूँ कि आप लोग देखते हैं वीडियो मेरी, इतना प्यार देते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो धन्यवाद किसान भाइयों, पूरी जानकारी दे दी। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मैंने पहले ही बताया हुआ कि जिन भाइयों ने 3 HP DC समरसीवल लगवाया हो वो संतुष्ट नहीं है, और पानी उनके यहाँ वाटर लेवल जो, देखिए हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो 20 से 25-30 फुट तक स्टार्ट हो जाता है, और मैक्सिमम बोरिंग 40 फीट तक जाता है। तो जिस किसान भाई के यहाँ 40 फीट या 50 फीट तक बोरवेल हो, मुझे कॉन्टैक्ट करें, इतना ही पानी आपको निकाल करके दूंगा, ठीक है। तो आपको मेरा बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो देखी। तो और किसान भाइयों, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, पूरा आप देख सकते हैं, ये 2.5 इंची ये चल रहा है, 2.5 इंची इधर चल रहा है, ये यहाँ पर पानी आ रहा है, मेरे गन्ने में चल रहा है, यहाँ पर चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें, किसी की भी कोई समस्या हो कॉन्टैक्ट करें डायरेक्ट। लेकिन भैया इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोशिश करें कि 7 बजे के बाद और 9 बजे से 10 बजे तक कॉल करें रात को, तो अच्छा होगा, क्योंकि दिन में बिजी रहता हूँ। फिर से ये बोलूँगा भैया 7 बजे के बाद कॉल करना। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहें हमारे।